खुदा और मोहब्बत ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, आखिरकार फरहाद की याददाश्त वापस आ जाती है। वो ये बात जान जाता है कि वो जिस लड़की से भी अपना मोहब्बत करता था वो कोई और नहीं बल्कि माही थी। माही के बारे में सब कुछ याद आने के बाद फरहाद ये सोचता है कि उसकी मुलाकात एक न एक दिन माही से जरूर होगी। वो हर वक्त माही की याद में तड़पता रहता है क्योंकि वो जानता है कि वो किस हद तक माही को चाहता था। जब तैमूर की वालदा माही को लेकर उसी दरगाह में आती है तो उस वक्त माही के फरहाद को देखते ही होश उड़ जाते हैं। तब उसे इस बात का भी इल्म हो जाता है कि फरहाद तो जिंदा है, उसकी ट्रेन हादसे में कोई मौत क्या नहीं हुई थी। फरहाद को अपने सामने जिंदा सलामत देकर माही की आंखों से बेहतियार आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इससे अच्छी खबर उसके लिए कोई भी नहीं हो सकती। इधर फरहाद माही के उस दरगाह में कदम रखते ही उसकी आहट तक महसूस कर लेता है। जब माही उसके पास आती है तो वो उसी वक्त उसके सामने हाथ जोड़ लेती है। फरहाद माही को देखते ही माही से कहता है कि मुझे इस बात का यकीन था कि तुम मुझसे मिलने के लिए जरूर आओगी, भला तुम मुझे कैसे भूल सकती हो। इतने में तैमूर की वालदा वो माही को लेने के लिए आ जाती है। माही जाते हुए फरहाद की तरफ मुड़कर देखती है क्योंकि उसके लिए इस बात का यकीन करना बहुत मुश्किल है कि फरहाद आज तक उसकी याद के लिए तड़प रहा है। वो आज भी माही से उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी पहले करता था।